पहले दर्शकों, पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 24 घंटे सड़कों पर तैनात पुलिस जवानों के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया छाता का वितरण, दिखाई मानवता। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ब्रह्म कुमारेश्वरी संस्थान के द्वारा मेडिटेशन का दिया जा रहा है सहारा। और हरपुर बिट्टू के निवासी रोड पर नाली के पानी के बहाव के कारण है परेशान, बीमारियों का सता रहा है भय। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। इधर 24 घंटा सड़कों पर खड़ा होकर आम लोगों की सेवा करने वाले पुलिस जवानों को शहर के सामाजिक संस्थाएं लगातार सेवा दे रही हैं। वहीं तपती धूप को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन जवानों के लिए छाता का वितरण किया। वैसे तो ये जवान भूखे प्यासे अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने अपने घरों में रहने का सलाह दे रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर की जनता प्रशासन के बात मानने को तैयार नहीं है। लोग सड़क पर निकलकर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इस तपती धूप और उमस भरी गर्मी में अपने वतन को बचाने के लिए ये जवान तत्पर हैं और लोगों का लगातार सेवा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर गरीबों तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। समय समय पर इनको भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने हिस्से के भोजन मिलते ही गरीबों को खिलाने में पीछे नहीं हटते। ये वो जवान है जो दिन भर चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों द्वारा इन जवानों को छाता देकर थोड़ी राहत तो जरूर दी गई है। हालांकि जमशेदपुर के SSP अनुप बिरथरे खुद ब खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पूरे शहर का भ्रमण कर अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए लोगों से अपने अपने घरों में रहने की वो भी अपील कर रहे हैं। इंश्योर कराने के लिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन मेहनत कर रहा है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो पूरा कितनी भी कड़ी धूप अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है जमशेदपुर में, लॉ नगरी में, इसके बाद भी लोग लगातार हैं यहाँ पर। तो कुछ जो समाजसेवी हैं और जो चैम्बर के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लोग हैं, उन लोगों ने भी छाते वगैरह वितरित किए हैं। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से हर कॉन्स्टेबल पदाधिकारी को छाता, जो बड़े वाले छाते हैं, वो लगवाए गए हैं, क्योंकि रोड पर रहना ही है, रोड पर पूरा ओपन है यहाँ पर, रोड पर कड़ी धूप में लोगों को रहना है ताकि लॉकडाउन को एंजोर किया जा सके। इसके लिए छाता वगैरह की छाया बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ORS के पैकेट हम लोगों ने दिए हैं अपनी तरफ से, सबको ग्लव्स दिए गए हैं, मास्क सारे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को दिए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं। तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इसको हम लोगों को सफल निश्चित तौर पर बनाना है ताकि COVID-19 का प्रसार। ये एक्चुअली एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें 95% लोग हैं जो समझदारी से पर्चे देते हैं, 5% लोग ही हैं जो अनावश्यक निकलते हैं, जिनके कारण भी सभी लोगों को दिक्कत होती है। हम लोग जो भी कार्रवाई इसमें हो सकती है कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों के ऊपर केसेस कर रहे हैं। जमशेदपुर जिले में टोटल 28 केसेस हुए, बहुत ज़्यादा केसेस हम लोगों ने किए, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने अरेस्टिंग किया। अरेस्ट करने के बाद क्योंकि अवेलेबल केस है तो हम लोग को बेल भी उसमें देना होगा। कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व में एक भय का माहौल व्याप्त है, ऐसे में लोगों के अंदर ये भय समाप्त हो इसे लेकर ब्रह्म कुमारेश्वरी संस्थान के द्वारा मेडिटेशन का सहारा लिया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ और निरोग रह सके। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ब्रह्म कुमारेश्वरी संस्थान द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के अंदर जो भय का माहौल व्याप्त है उसे दूर किया जा सके। इसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें रोजाना सुबह 8 से 9 घंटे तक का मेडिटेशन करती हैं और लोगों से आग्रह भी करती हैं कि वे सभी अपने अपने घरों में रहकर कम से कम 8 से 9 घंटे तक मेडिटेशन करें और इस भय के माहौल से अपने आप को बाहर निकालें। वहीं सदन में जानकारी देते हुए संस्थान के सदस्य ने बताया है कि ब्रह्म कुमारेश्वरी संस्थान की जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं में बहनें लगातार मेडिटेशन के जरिए व्याप्त भय के माहौल को कम करने का प्रयास कर रही हैं। राजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कदमा सेंटर को देख रेख करते हैं और अभी तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ यहाँ 3 बहनें हैं और तीनों बहनें मिल करके अपने जमशेदपुर खास करके और पूरे देश के लिए मेडिटेशन हम लोग करते हैं। कम से कम हम समझते हैं 12-14 घंटा हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। सभी के पास ये वाइब्रेशन पहुँचा रहे हैं कि सभी का जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो। और हम सभी भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे कि हम अपने अंदर की आध्यात्मिक पावर को बढ़ाएं और जब आध्यात्मिक पावर को बढ़ाएंगे तो हम कोरोना पर 99% तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। भय नहीं करें, जितना हम भय करेंगे उतना हमारे पास वो बीमारी आती जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ब्रह्म कुमारी संजू बहन, कदमा सेंटर संचालिका। और इधर जमशेदपुर के हरहर गुड्डू LBSM रोड के निवासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, जहाँ उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है।
स्थिति कितनी अब बिगड़ाल हो गई है कि लोग तरह तरह की बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। एक तरफ पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल व्याप्त है, लोगों से स्वच्छ रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, तो वहीं इसी भय के माहौल में बागबड़ा हरहरपुर टू एलबीएसएम रोड के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां लगातार नाले का पानी मेन रोड में बह रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। लोगों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई पर निष्कर्ष सुन रहा। उन्होंने बताया कि इससे भी इतनी विकराल अब स्थिति हो गई है कि क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, लोग बीमार हो रहे हैं पर उनको इस नरकीय हाल में छोड़ दिया गया है, ऐसे में वे जाए तो कहां जाए। क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या तो अभी हम लोगों के सामने यही है, जो हम लोग साल भर से ऊपर हो गया हम लोग ज़्यादा इस पानी को लेकर के झेल रहे हैं। रोड में एनी टाइम 24 घंटा इतनी तेज़ी से पानी बहती है कि लगता है कि ये नाली पूरा बह रहा हो, और किसी को भी ये मतलब कोई देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, चाहे पंचायत समिति हो चाहे कोई प्रशासन। तो कौन सा पंचायत क्षेत्र में आता है ये? पश्चिम कीताड़ी। तो पश्चिम कीताड़ी में आता है, यहाँ के मुखिया उखिया से इस संबंध में आप लोग बात किए हैं? कई बार बात हो चुकी है। हाँ, तो कोई कार्रवाई कहीं से कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा है कि नाली पूरी तरह से भरी हुई है, तो ऐसे में क्या स्थानीय लोग भी कचरा नाली में ही डालते हैं? नहीं, नाली में कचरा नहीं डालते हैं। हाँ। कचरा नाली में उड़ करके अगर आ रहा है, चाहे जैसे आप इस तरफ में देख सकते हैं, लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, खाली जमीन है, ये भी भर करके नाली में भर जाता है, उसके ऊपर से वो ओवरफ्लो होता है, पूरा रोड में ही भर, मतलब कचरा निष्पादन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई बार हम लोग खुद अपने से ही हम लोग मोहल्ला वाले मिलकर कई बार साफ करते हैं, लेकिन वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, वो तो हम लोग थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन जितना ये हैवी में है वो बहुत दिक्कत। कितने दिनों से है परेशानी? साल भर से ऊपर हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं। आप लोग संबंधित विभाग, जैसे मान लीजिए कि इस संबंध में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मिले हैं कि नहीं प्रखंड कार्यालय में? प्रखंड कार्यालय में तो नहीं, प्रखंड कार्यालय में तो हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को हमेशा हम लोग अवगत कराते रहे हैं कि हाँ इससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। और इधर इस वर्तमान समय में लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों के समक्ष लगातार आर्थिक संकट उत्पन्न होते जा रहा है, ऐसे में पूरे शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मानव सेवा का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के हिदायतुल्ला खान के द्वारा वैसे लोग जिनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है और वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, उनके घरों तक एक महीने तक का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वैसे परिवार इस राशन से अपना घर चला सके। जो महामारी है ये कोरोना वायरस के वजह कर जो लोग रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ऐसे लोग को चुन चुन कर हम लोगों ने लिस्टिंग किया और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लगभग एक महीने का एक परिवार का राशन है, ये बड़ा बुरा है, ये एक परिवार के लिए तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की नुमाइश की नीयत नहीं है और ना ही ये नीयत है कि हम इसको अखबार में दें। आप लोग आ गए हैं तो ये फोटोग्राफी हो गई। कितने लोगों का टारगेट पूरे कोल्हा? ये देखिए, जब तक इंशाल्लाह जितना कर पाए हम लोग, कम से कम इस इलाके को तो पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, और अगर कहीं और से भी खबर आता है तो वहाँ भी हम लोग भेज रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। वहीं इस मुहिम में पंचायत प्रतिनिधि भी पीछे नहीं हैं, जहां उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर सवर जाति की पहचान कर वैसे लोगों को मदद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि राज्य में सवर जाति ही ऐसी जाति है जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और लॉकडाउन में उनके समक्ष मरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके घरों तक राशन पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे सोबर टोला, नुपुंगडी और मनपीटा, गुड़ुरबासा, हुरलुंग, लालटाड़, नोतुंडी, और भी हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ जहाँ हम लोग को लग रहा है कि वहाँ देने का ज़रूरत है, उसी जगह हम लोग राहत सामग्री लेके अपने गाड़ी है, पूरे टीम है,
टीम के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं। क्या कुछ दिखे नोएडा के लोग आराम लगछे आराम लगछे पोस्टर चाकरी बाकरी नहीं ना ना चाकरी बाकरी नहीं जे जमन खाटे खाते छे लोग तो बसे आछे घर तक बाहर होछे ना ओइटा जा सरकार तक हेल्प मिल छे ओगिला जा कुछ चलछे खा होछे तो जिला पार्षद के हमरा इखने तोरा बोलछी सबाई के भलो होछे तो ओइटा धन्यवाद दिया होछे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा भी हर कार्य किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों का पेट भर सके। इसी क्रम में पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर उनके द्वारा आर्थिक रूप से परेशान व जरूरतमंदों के बीच राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के लिए खड़े होने की जरूरत है। आज इन जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। इससे पहले भी ग्रुप में तकरीबन 20-20 लोगों का ग्रुप बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है और ये लॉकडाउन अब तो 21 दिन बहुत नज़दीक ही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि इसके बाद भी यह संक्रमण पूरी तरह से हमारे देश से जा पाएगा और गरीबों के बीच बहुत निराशा फैली हुई है कि आखिर हमारा जीवन यापन होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये लोग डेली वर्कर हैं जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। इन सबों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लोगों ने हम लोगों से आग्रह किया है कि अपने अपने स्तर से जहां से भी हो सके जैसे भी हो सके यदि कुछ लोगों को मदद दिया जा सके तो दे। और इधर कोरोना महामारी में जिला प्रशासन व विभिन्न सामाजिक संस्थाएं युद्ध स्तर पर लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में काशुली उच्च विद्यालय की शिक्षिका भी मास्क का निर्माण कर रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाई जा सके। जहां बिष्टुपुर स्थित पी रोड में शिक्षिका गृहिणियों व छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बृहद पैमाने पर मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं सदन में जानकारी देते हुए शिक्षिका ने बताया है कि वर्तमान समय में मास्क बिना घर से बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में गरीब जरूरतमंद लोग ज्यादा पैसे में मास्क नहीं खरीद सकते, तो वैसे लोग जो कि पैसे से मास्क नहीं खरीद सकते हैं उन तक यह मास्क मुहैया कराया जाएगा ताकि कोरोना महामारी से वे बच सके। मैं रीता मिश्रा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाकर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक कर सकें, इसलिए हमारे साथ की महिलाएं तकरीबन 4 रूम में हमारी संस्था की लड़कियां जो कि अभी कॉलेज वगैरह बंद है और इस संकट के घड़ी में देश हित में अपना योगदान देना चाहती है, वह सब इस मुहिम में जुटी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बनाएं और हर एक घर में कम प्रति व्यक्ति 2-2 मास्क हम लोग दे सके ताकि वो मास्क पहनकर ही कुछ काम करें और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी 1-1 मीटर की दूरी पर रहें और इस कोरोना जैसी वायरस से अपने आप का बचाव कर सकें ताकि देश व समाज हमारा सुरक्षित रह सके। ये जो बना रही हैं ये फ्री वितरण होगा, ये मार्केट में बेचा जाएगा कि निःशुल्क दिया जाएगा? ये हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच गरीब तबके के लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकारी आदेश का उल्लंघन पीडीएस दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार 2 दिनों से शहर के विभिन्न इलाकों से लोग जिला मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। जबकि सरकारी आदेश ये है कि जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दाखिल किया है उन्हें भी राशन दिया जाना है, जबकि पीडीएस दुकानदारों के द्वारा जरूरतमंदों को राशन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब इन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई तो जिले के वरीय अधिकारियों ने कल से दुकानों से राशन उपलब्ध होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी वापस लौट गए। 4 दिन से न्यूज़पेपर में न्यूज दे रहा है कि जिनका राशन कार्ड नहीं है जो अप्लाई किए हैं उनको आधार वो अप्लाई किया हुआ से मिलेगा और जो आधार नहीं है उनको आधार कार्ड से दिया जाएगा। 4 दिन से डीलर के पास जा रहे हैं लेकिन डीलर बोलता ना हमारे पास आदेश आया है ना सामान आया है, आप जेएनसी ऑफिस जाइए। सर मेरे को जेएनसी ऑफिस गए तो बोले डीसी ऑफिस जाइए, डीसी ऑफिस में आए तो अभी बोले ये नंबर नोट कीजिए और नहीं कल से मिलेगा। 4 दिन से दौड़ रहे हैं डीलर के पास, डीलर को जवाब नहीं दे रहे, डीलर के पास।
और यहाँ आपको बताते चले कि बंगाल से आए 18 युवक जो फेरी का काम किया करते हैं वो आदित्यपुर में फंसे हुए हैं, जहाँ उन्हें सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। पर इनके लिए आदित्यपुर के 15 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, जो अपने आप में सराहनीय है। नमस्कार, अभी हमारा कोलकाता थे 18 लोग एखे मनिहारी सामान बिक्री करते इसे हमें फेसे गे सरकार तरफ थे को सहाज्य पाय आज ये আজকের তারিখে এইখানে এসে চাচি আমাদের সাহায্যের জন্য কিছু চাল, রমাদেবী আমাদের চাচি আমাদের এখানে 15 নম্বর ওয়ার্ডের কার্যকর্তা, উনি আমাদেরকে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং আগামী দিনেও আমাদেরকে চাল দেবেন এবং সাহায্য করবেন বলে উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আপলোক সরকারকে তরফ সে কই সুবিধা মিলি হ্যা নেই? কই সুবিধা নেই মিলা। तो आप लोगों को घर जाने के लिए भी सुविधा नहीं है, सरकार की कोई सुविधा नहीं? आपके सारे परिवार कहाँ रहते हैं? कोथाय थाके? कोलकाता शांतिपुरे। शांतिपुरे, शांतिपुर नदिया जिला। এখানে আপনারা কত লোক আছেন? এখানে আমরা 18 লোক আছি। তো 18 লোকের খাওয়া দাওয়ার খুবই অসুবিধা হচ্ছে কি? খুব অসুবিধা, আমাদের কোন বাজার ঘাটের 1 টাকা নগদ পয়সা নেই যে আমরা বাজার করে খাবো, সবজি চাল কোন কিছু কিনবো, আমাদের 1 টাকা নগদ পয়সা নেই। আচ্ছা, 1 টাকা নগদ আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠা দিয়েছি, এখন শনিবার দিনকে আমরা ব্যাংকে পাঠিয়েছি, রবিবার দিন জনতা কার্পু থাকবে বলে যে শনিবার দিনকে আমরা পাঠিয়ে দিই, রবিবার দিনটা আমরা ঘরে বসবো, তো সোমবার থেকে তো আবার কাজ করবো, তো কোনো কাজই আর তারপর থেকে তার কাজ নেই, আমরা ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আর কোনো টাকা নেই আমাদের। निवासी रोड पर नाली के पानी के बहाव के कारण है परेशान, बीमारियों का सता रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।